नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशी चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप यूपी एपीओ स्पेशल क्लासेस में आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की, भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्नों की, जो कि यूपी एपीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित होगी, ऑप्शन डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका, जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है वो ऑप्शन ए प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को इंगित करती है, दूसरा ऑप्शन है उस स्रोत को इंगित नहीं करती जिससे संविधान अधिकार प्राप्त होता है, तीसरा है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी है या फिर संविधान का भाग नहीं है। तो अगर देखें इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है भारतीय संविधान की उद्देशिका। अगला प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, यह कथन किसका था? यह कथन था ग्लेनविन ऑस्टेन का, इन्होंने कथन दिया था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? संविधान सभा में जो टोटल सदस्य होने थे वो थे 389 सदस्य कुल इसमें होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल ठीक है। परिसंघ कल्प संकल्प संरचना ये भी ठीक है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये इसमें गलत है, न्यायपालिका प्रतिबद्ध नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसके अलावा शक्तियों का वितरण ये भी इसमें है। अगला प्रश्न है सेवंथ क्वेश्चन, उद्देशिका क्या है? उद्देशिका जो है ये संविधान का अंग है, संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग हो भी सकता है और नहीं भी, कोई नहीं। तो उद्देशिका जो है संविधान का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? जो पहला अधिवेशन हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक चला था पहला अधिवेशन, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता से निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता? तो ये ऑप्शन ए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से किस तिथि को? यह ये जो सिग्नेचर किए थे ये 26/11/1949 को सिग्नेचर किए थे, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर सिग्नेचर कर दिए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा गठन कब किया गया? संविधान सभा गठन जुलाई 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो ये जो है प्रस्तावना को बोला गया है संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? भारत में जो संप्रभु है ये हम भारत के लोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे संविधान की उद्देशिका में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की घोषणा मूल अधिकार के रूप में करता है, यह घोषणा निम्नलिखित में से किस उपबंध के अंतर्गत आती है? तो ये है 19 क में आएगी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 क में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? ये माना गया है केशवानंद भारती के वाद में। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? इसमें से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, भारत का संविधान, जो भारत का संविधान एक विशुद्ध संघात्मक संविधान है, एक विशुद्ध एकात्मक संविधान है, स्वरूप से एकात्मक परंतु विशिष्ट अवस्थाओं से संघात्मक स्वरूप धारण कर लेता है और स्वरूप में संघात्मक होते हुए भी आत्मा में एकता एकात्मक है। तो ये डी आंसर इसका सही होगा।
कि जो भारत का संविधान है स्वरूप में संघात्मक होते हुए भी आत्मा से एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? धारा 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के अपने ही निर्णय को उलट दिया था? ये एक था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है? तो यह है आत्मविशासन के संरक्षण का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 20 के तहत आत्मविशासन से संरक्षण का अधिकार जो है इसमें किसी व्यक्ति को प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? ये मिली थी 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। अगला है 24वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार उपबंध है, तो ये समता का अधिकार भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को होगा। अगला है, भारत के संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। भारत में संसदीय शासन की प्रणाली अपनाई गई है, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल का प्रधान है संसद के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रधान होता है संसद के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यही इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में विहित है? न्यायिक पुनर्विलोकन ये अनुच्छेद 13 में आएगा। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, संविधान के कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है संविधान के कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है, ये है प्रोफेसर केसी वियर का। ठीक है, इनका ये प्रोफेसर केसी वियर, इन्होंने बताया था कि संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, विधि का समान संरक्षण का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? विधि का समान संरक्षण का संविधान ये लिया गया सिद्धांत अमेरिका से। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में किसी भी रूप में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है? तो धारा 17 है, सॉरी अनुच्छेद 17 है आर्टिकल 17, जिसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, किसी भी रूप में अस्पृश्यता का अंत है धारा अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक भारतीय नागरिक को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं है, 44वें संविधान संशोधन में इसको मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना प्रारूप में परिसंघ और प्रभाव में एकात्मक है, ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। अगला है 33 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का अधिकार। तीसरा है गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, इसमें जो है ऑप्शन बी, ये भारत के नागरिकों को, केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा ऑप्शन ए, विधि के समक्ष समता का अधिकार और गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये व्यक्तियों को भी प्राप्त है। अगला है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष जो है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष, इसमें गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 35 क्वेश्चन, क्या कोई भी नागरिक भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? तो देखिए, नहीं कर सकता, उपाधियों का अंत हो चुका है। अब उपाधि नहीं बल्कि उसके बदले में जो नोबेल प्राइजेज हैं और पद्म विभूषण ये प्राइजेज हैं जो कि भारत में अब दिए जाते हैं, उपाधियों को अब नहीं दिया जाता है, विदेशी उपाधि नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्युक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, मूल अधिकार पर रिट जारी करने का अधिकार
तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? ये किया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो पंजीकरण द्वारा भी, वंशानुक्रम भी और जन्म से भी, इन सभी के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री है? तो ये डाइसी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, इंडियन पॉलिटी के हमने 40 क्वेश्चंस देखे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, यूपी एपीओ की हम लोग इस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।